हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना आपके साथ एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, सर बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, क्या नाम बच्चों सब्जेक्ट का? कॉस्ट अकाउंटेंसी। उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो सब्जेक्ट आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए ये, और इसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा सर। ठीक है, कई बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट है, कई लोगों ने इसको बीकॉम में थोड़ा बहुत पढ़ा हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं, तो हम लोग बिल्कुल डिटेल में इसको हम लोग पढ़ेंगे सर। ठीक है, एक एक बातों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सर। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी। देखिए भाई, सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कॉस्ट की डेफिनेशन बताऊंगा कि कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद मैं बताऊंगा सर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है सर। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कशन करूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट का क्या मतलब है, और उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा सर कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। चलिएगा, तो आज की क्लास के अंदर मैं कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा। आज की क्लास जिस मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसका जो मेरा मेन पर्पस होगा ये बताना होगा कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है सर। ये सर इस तरीके की छोटी मोटी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अराउंड 1 आवर में आपका लूंगा इस आज के लेक्चर में, और जिसका जो मेरा मेन टारगेट होगा आपको इंट्रोड्यूस करना कॉस्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के साथ। चलेगा, तो स्टार्ट करते सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है सर। तो एक लाइन लिखेंगे सर, ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है सर, चलेगा। तो मैंने क्या कहा, कॉस्ट का मतलब क्या हो गया सर, ऑल द एक्सपेंसेस, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए हैं सर, किस लिए इनकर किए, किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में कॉस्ट कहलाते हैं सर। ये बड़ी टेक्निकल डेफिनेशन मैंने लिख दी है, इसको मैं 2 मिनट बाद समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे जनरल डिस्कशन करना चाहूंगा सर। आप मुझे बताए कॉस्ट का मतलब आपको पता है नहीं पता, डू यू नो कॉस्ट और नो सर? आप सब लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप गए, आप मान लीजिए किसी स्टेट में रहते, मान लीजिए दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली से गए मनाली घूमने, ठीक है, इसके अंदर आपका खर्चा आया मान लो 20,000 रुपए का, तो ये क्या आपके लिए कॉस्ट होगी या नहीं होगी सर? इट इज अ कॉस्ट। ठीक है, मान लीजिए नंबर 2, आपने अपनी बर्थडे पार्टी करी, बर्थडे पार्टी में क्या करा सर, लोगों को खाना खिलाया, डीजे चलवाया, एंजॉय किया सर, और उसके अंदर आपका मान लीजिए 50,000 का एक्सपेंस हो गया, तो ये भी क्या आपकी कॉस्ट हो गई या नहीं हो गई सर? तो सर कॉस्ट वर्ड आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है सर, आपने डे टू डे लाइफ में कॉस्ट वर्ड को बार बार सुना है और डेली सुनते आते हो सर। तो सर आज आप हमें क्या बताने वाले हो सर? ठीक है, आज मैं कॉस्ट वर्ड को अपना रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा सर। कॉस्ट वर्ड तो अपने आप में एक बहुत वाइडर टर्म है सर, ठीक है, आप डेली बेस पे सुनते आ रहे हो सर। ठीक है, आपने ट्रैवलिंग करी, खर्चा हुआ, कॉस्टिंग हो गई, आपने पार्टी करी, खर्चा हो गया, कॉस्टिंग हो गई सर। आप गई मूवी देखने सिनेमा हॉल में, वहां पे आपने टिकट परचेज करी, कॉस्टिंग हो गई सर, तो ये तो सब कॉस्टिंग है सर। ठीक है, तो कॉस्ट वर्ड तो बहुत लंबा वर्ड है और आप सुनते भी आए हो, आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है सर। लेकिन आज मैं आपको जो डेफिनेशन बता रहा हूं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड बताऊंगा सर कॉस्ट की डेफिनेशन को, जो डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, आपको अपने सिलेबस के अंदर इसी कॉस्ट को लिमिट करना है सर, इस डेफिनेशन को लिमिटेड करना है सर। वैसे तो बहुत लंबी डेफिनेशन है कॉस्ट की, लेकिन जो हमारा सिलेबस हो गया उसके अंदर ये डेफिनेशन रेस्ट्रिक्टेड है जो मैंने लिखी है वहीं तक। तो क्या लिखे जाए, ध्यान सुनिएगा, कॉस्ट का मतलब ऑल द एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जो आपने इनकर किए, जो आपने खर्चा किए हैं टू प्रोड्यूस, किसने खर्चा किया, टू प्रोड्यूस बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट को, या रेंडरिंग, रेंडरिंग का मतलब प्रोवाइड करने में, प्रोवाइड करने में, क्या प्रोवाइड करने में, एक सर्विस को प्रोवाइड करने में जो खर्चा किया है उसको बोलते हैं सर कॉस्ट। तो बड़ा सिंपल सी बात हो गई सर,
तो इस जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जो मैंने कॉस्ट को डिफाइन किया, मैंने सिंपल अक्षरों में बोला कि जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, किस लिए एक्सपेंस कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को बनाने में, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो कॉस्ट है नंबर टू, या फिर किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, किसी बंदे को वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसमें जो खर्चा कर रहे हो वो कॉस्ट है। तो मैंने अपनी कॉस्ट अकाउंटेंसी के में कॉस्ट की डेफिनेशन को बड़ा रेस्ट्रिक्शन के साथ लिख दिया। सर आप इसका एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है सर मोबाइल, एक प्रोडक्ट बना रहा हूं सर क्या मोबाइल, इसको बनाने में मेरे को बहुत सारी कॉस्ट लगाने, खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे रॉ मटेरियल लगाना है इसको बनाने में, रॉ मटेरियल लगेगा नहीं लगेगा, जैसे रॉ मटेरियल में जैसे प्लास्टिक लगेगी, ग्लास लगेगा, यस और नो, तो सब क्या रॉ मटेरियल है सर। नंबर टू क्या लगेगा इसमें, लेबर लगेगी, इंसान लगेंगे सर, ये तो है नहीं अपने आप बन जाएगा, इंसान लगेगा, और इंसान क्या मांगेंगे, अपनी वेजेस मांगेंगे, वो भी कॉस्ट है सर। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस, जैसे मान लीजिए मशीनें लगेंगी इसको बनाने में, तो उस मशीनों का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो मैंने क्या कहा, तो जो प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे लग रहे हैं वो कॉस्ट है सर, या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में जो खर्चे लग रहे हैं सर, सर्विस को प्रोवाइड करने में, यस सर, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में, जैसे मान लीजिए आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं अपने क्लाइंट को सर्विस देता हूं ऑडिट की, ठीक है, और इस ऑडिट की सर्विस मैं जो अपने क्लाइंट को देता हूं उसके लिए मुझे बहुत सारे खर्चे करने पड़े, जैसे एग्जांपल मुझे क्लाइंट साइड पे जाना है, ट्रेवलिंग करनी है, मुझे क्लाइंट को टेलीफोन से बात करनी है, मुझे क्लाइंट को ऑडिट रिपोर्ट देनी है, उसके लिए प्रिंट आउट निकालना है, समझ मारे पास, इस तरीके के बहुत सारे खर्चे मुझको अपने ऑडिट यानी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी करने पड़ते हैं। ये सब खर्चे भी क्या कहलाते हैं मेरे पास, कॉस्ट कहलाते हैं। तो आपको सर कॉस्ट का मतलब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ठीक है ना, कि कॉस्ट का मतलब मैंने अपने कॉस्ट अकाउंटेंसी बड़ा रेस्ट्रिक्ट करके बताया, क्या बताया कि केवल वही कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है या किसी हमारी जो इंटेंजिबल नेचर की सर्विसेज होती है उसको प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट लग रही है वही हमारे पास कॉस्ट है सर, ठीक है चलेगा, तो वही हमारे पास कॉस्टिंग हमें कंसिडर करनी है यहां पर। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई सर। दूसरी बात, तो सर जो भी एक्सपेंसेस किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में लगते हैं वो हमारे पास कॉस्ट होती है। लेकिन आपको दूसरी बात बताता हूं बच्चों, किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्सपेंस लग रहे हैं वो भी कई तरीके के हो सकते हैं। अच्छा सर, यस, जैसे एग्जांपल दीजिए, नंबर वन मान लीजिए सर रॉ मटेरियल लग रहा है, ये भी एक एक्सपेंस है। जिस फैक्ट्री बन रहा है वहां की रेंट लग रही है, जिस फैक्ट्री बन रहा है वहां पर पावर यूज हो रही है, पावर, यस और नो, जिस मशीन से बन रहा है उसका डेप्रिसिएशन यूज लग रहा है, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं सर। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है सर, असर इलेक्ट्रिसिटी और पावर में क्या डिफरेंस है, देखो बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में लगती है पावर, छोटी मोटी लाइटों को चलाने के लिए लगती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मान लीजिए वेजेस ले रही है हमारी लेबर, तो उनकी सैलरी जा रही है सर। तो इस तरीके से बहुत सारे खर्चे हमारे किसी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में लगते हैं सर, क्लियर। तो एक्सपेंसेस तो बहुत तरीके के हो सकते हैं सर, जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में लग रहे हैं। तो मैं बताता हूं बच्चों, इन एक्सपेंसेस को भी हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सर। इस सब्जेक्ट के अंदर सारे एक्सपेंसेस को भी क्लासिफिकेशन करना है। हमारे पास 100 तरीके के खर्चे लग सकते हैं, लेकिन इन सारे खर्चे को भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं अंडर कॉस्ट अकाउंटेंसी। नंबर वन है सर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कौन सा होता है सर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, और दूसरा खर्चा होता है कौन सा सर नोशनल एक्सपेंडिचर, कौन सा होता है नोशनल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है नोशनल। अच्छा जी, हाँ जी, एक्चुअल और दूसरा होता है सर नोशनल। अब सर ये एक्चुअल और क्या होता है, नोशनल कौन सा होता है, जरा बताएं हमारे को। सिंपल सी बात है, आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि एक्सपेंसेस बहुत तरीके के होते हैं, और इन सारे एक्सपेंसेस को भी हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई करना है, एक्चुअल और नोशनल, ठीक है। जरा सुनिएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर।
ठीक है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जरा सुनिएगा, ध्यान सुनना हो बच्चों और एंजॉय करना, ठीक है। पहले एक बार लाइन में लिख ले, डेफिनेशन लिख लेना, द एक्सपेंसेस, ऐसे लिखिए, द एक्सपेंसेस, द एक्सपेंडिचर्स विच रिक्वायर्स एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट, वो सारे एक्सपेंसेस जिसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिनसे एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट होता है सर, ऑल द एक्सपेंडिचर्स विच रिक्वायर्स क्या, एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट, जिनके इनकर होने से हमारे पॉकेट से कैश का आउटफ्लो होगा, वो सारे खर्चे क्या होते हैं हमारे पास, एक्चुअल एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे खर्चे जिनके इनकर होने से पॉकेट से कैश का आउटफ्लो हो, कैश का आउटफ्लो होना चाहिए। अच्छा सर, हाँ सर, एग्जाम्पल दीजिए सर, मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं सर, सारे एग्जाम्पल्स ही वही होते हैं आपके सामने, आप रेंट पे कर रहे हो, यस, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, पावर पे कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, जो भी खर्चे कर रहे हो उससे एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट तो होगा ही होगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा, कैश का आउटफ्लो तो होगा ही होगा, हाँ वो इट मे पॉसिबल कैश का आउटफ्लो एडवांस में हो जाए, और कई बार होता है खर्चा होने के बाद ही पेमेंट कर सकते हो, वो मैटर नहीं करेगा सर, हाँ ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कई बार हम लोग उधार में सामान ले लेते हैं, कहते हैं पैसा बाद में दे देंगे, लेकिन जाएगा तो सही ना, हाँ कई बार ऐसा होता है हम एडवांस में पैसा देते हैं, सामान बाद में ले रहे होते हैं, तो लेकिन पैसा तो गया ना, मैं बात कर रहा हूं कि कैश का आउटफ्लो हो बस खर्चा होने से, मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांस में जाए या फ्यूचर में जाएगा, वो मैटर नहीं करता, बस जाए, ऐसे खर्चे जिनके इनकर होने से पैसा जाए, कभी भी जाए पर जाए, तो वो खर्चे क्या कहलाएंगे, मेरे एक्चुअल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं सर, बड़ी सिंपल सी बात हो गई, तो ऐसे खर्चे जिनके इनकर होने से क्या होगा, मेरे को पॉकेट से पैसा जाएगा, वो तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गए, ओके जी। इसके अपोजिट दूसरे होते हैं सर नोशनल एक्सपेंडिचर, क्या होते हैं सर, नोशनल एक्सपेंडिचर दूसरी कैटेगरी होती है, नोशनल एक्सपेंडिचर, नोशनल का पहले मैं मीनिंग बताता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोशनल, टर्म का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म नोशनल, नोशनल का मतलब होता है सर इमेजिनरी, क्या मतलब होता है सर इमेजिनरी, ऐसे खर्चे जो आपकी केवल इमेजिनेशन है, डेट इज आपकी हिंदी में बोलो तो कल्पना है, आपकी कल्पना, ठीक है जी, ठीक है, आपकी वो क्या है, कल्पना है सर, नोशनल एक्सपेंडिचर क्या है, इमेजिनेशन है आपकी, कल्पना है ये आपके, ठीक है ना, तो सर नाम से क्लियर होने लगा कि सर नोशनल एक्सपेंडिचर कुछ डिफरेंट चीज है, क्योंकि सर अभी तक तो हमें पता लगता है कि जितने भी खर्चे होते हैं उनसे पैसे तो जाएंगे जाएंगे, और नोशनल एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होंगे, इसके बारे में अगर डेफिनेशन लिखेंगे ना तो आप चौक जाओगे, इसकी डेफिनेशन क्या बोली है, विच डज नॉट रिक्वायर वॉट, एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट, ऐसे खर्चे जिनके इनकर होने से एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट ना हो, विच डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट, जिनके इनकर होने से पॉकेट से कैश का आउटफ्लो ना हो, वो खर्चे कहलाते हैं मेरे एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, हाँ जी, विच डज नॉट रिक्वायर एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट, जिनकी इनकर होने से पैसा पॉकेट से ना जाए। अब सर ये बड़ा डाउटफुल आ गया कि ऐसे कौन से खर्चे होंगे जिनके इनकर होने से पैसा नहीं जा रहा यार, हमने तो आज तक सुना था खर्चे होंगे तो पैसा जाएगा, कई बार तो एडवांस जाएगा, कई बार थोड़े दिन बाद जाएगा, लेकिन जाएगा, तो ऐसे कौन से खर्चे हुए जी वो खर्चे होने से पैसा पॉकेट से नहीं जा रहा। सर मैं आपको बताता हूं सर, कई बच्चों के मन में आ रहा होगा और क्लिक कर गया होगा बिल्कुल, उस खर्चे का नाम होगा सर डेप्रिसिएशन, बचपन से सुनते आए अकाउंट्स में, इट इज अ नॉन कैश आइटम बेटा, तो आपको आपकी गलत फहमी दूर कर देता हूं कि डेप्रिसिएशन भी हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, इसके इनकर होने से भी पॉकेट से पैसा जाता है। तो अगर आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है तो अकाउंट्स भूल जाइए, आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर, तो सर इसके इनकर होने से पैसा जाता है, यस सर, कैसे जरा पहले समझाएं आप हमारे को, मैं आपको बता देता हूं पहले,
मान लीजिए आप आज का दिन है टी जीरो, आप एक मशीन परचेस करके लाए कितने की, 1,00,000 रुपए की। इसका मतलब आपने 1,00,000 रुपए का आउटफ्लो कर दिया, नहीं कर दिया, पैसा दिया नहीं दिया है उसको। अब डेप्रिसिएशन क्या है, जो 1,00,000 रुपए आज आप दे के आए हो उसी को धीरे धीरे करके क्या मान रहे हो, खर्चा मान रहे हो, 10,000 करके पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हो। तो अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन क्या है, जो पैसा आप स्टार्टिंग में दे के आ गए हो उसी को धीरे धीरे कहां डाल रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप चार्ज कर रहे हो। तो अल्टीमेटली 1,00,000 रुपए तो गए थे ना जब मशीन परचेस करी थी, बोले सर नो, पैसा तो गया था, नहीं गया था, हाँ सर गया था। तो ध्यान सुन लीजिएगा, डेप्रिसिएशन भी हमारा कौन सा खर्चा होगा, एक्चुअल खर्चा है। अरे सर तो ये नोशनल क्या है, अब हमें नहीं समझ में आ रहा नोशनल, हम तो अब बिल्कुल कंफ्यूज ही आ गए कि सर ये नोशनल क्या होता है। तो भैया आप सुने, नोशनल एक्सपेंडिचर क्या होता है मेरी जवानी। तो पहले मैं इसके बारे में लिखता हूं एक लाइन, और कॉस्ट ऑफ ओन रिसोर्सेस यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस, यूटिलाइज्ड इन द बिजनेस, जो आपने खुद के रिसोर्सेस, दैट इज खुद की एसेट्स जो आपने अपने बिजनेस में यूज करी है, उसकी कॉस्ट हमारी नोशनल कॉस्ट होती है। सॉरी, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बताओ तो अच्छा ना लगे। हाँ बिल्कुल बता देता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू सुन लीजिए, एक प्यारे से और बेहतरीन एग्जाम्पल के थ्रू आप सुन सकते हैं सर। अच्छा जी, हाँ जी बिल्कुल, एक एग्जाम्पल के थ्रू प्यार से सुनिएगा। मान लीजिए सर ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई, ये मिस्टर एक्स के पास में एक बिल्डिंग है सर, ये बिल्डिंग है सर, बिल्डिंग किसकी है, मिस्टर एक्स की है सर, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, क्लियर। और ये बिल्डिंग इसने इसको रेंट पे दे रखी है, उसको रेंट मिल रहा है कितने का, 10,000 रुपए पर मंथ का रेंट मिल रहा है, ठीक है जी, 10,000 पर मंथ का रेंट मिल रहा है इस बिल्डिंग से। अब एक्स क्या डिसाइड कर रहा है, एक्स ने डिसाइड किया टू ओपन ए फैक्ट्री, ए फैक्ट्री खोलेंगे सर, कहां पे खोलेंगे, इन बिल्डिंग, इन आवर बिल्डिंग, और अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है किस में, अपनी ही बिल्डिंग में डिसाइड कर रहा है कि अब मैं एक अपनी फैक्ट्री में लगाऊं अपनी बिल्डिंग में। और जैसे ही इसने डिसीजन लिया, ये रेंट आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जो प्रॉफिट इसको आ सकता था वो प्रॉफिट आना बंद हो जाएगा। कितना प्रॉफिट आ सकता था, 10,000 रुपए पर मंथ। इसका मतलब जैसे ही मिस्टर एक्स ने अपनी बिल्डिंग में अपनी फैक्ट्री ओपन कर दी, उसको कितना नुकसान हो गया अपने बिजनेस को चलाने के कारण, 10,000 रुपए पर मंथ का नुकसान हो गया। 10,000 रुपए का प्रॉफिट जो आ सकता था वो नहीं आएगा। इसका मतलब जो प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये भी मेरी क्या है, एक कॉस्ट है। और ये कॉस्ट कब लगी, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने खुद के असेट्स को अपने बिजनेस में यूज करना चालू कर दिया, एक कॉस्ट लग गई सर, कितने की, 10,000 रुपए पर मंथ की। और इस कॉस्ट को कौन सा बोलेंगे, नोशनल कॉस्ट। मुझे पता है सर 10,000 रुपए से मेरे पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा, मेरे पॉकेट से कोई एक्स्ट्रा पैसा तो ना जा रहा, बट क्या हो रहा है, जो पैसा रेवेन्यू में कमा सकता था, जो प्रॉफिट में कमा सकता था, जैसे ही मैंने अपनी बिल्डिंग में अपनी फैक्ट्री खोली, वो प्रॉफिट आना मेरा क्या हो गया, बंद हो गया, वो प्रॉफिट आना मेरा क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है जी। तो प्रॉफिट का लॉस होना भी क्या है, मेरी कॉस्ट होती है, और इस कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग नॉशनल कॉस्ट। तो सर हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी में प्रॉफिट का ना आना भी कॉस्ट है, प्रॉफिट जो आ सकता था लेकिन नहीं आ रहा, ये भी मेरी कॉस्ट होती है, इट इज कॉल्ड माय नोशनल कॉस्ट। एग्जांपल समझ में आ गया, जैसे ही मैंने अपनी बिल्डिंग को अपनी बिजनेस में यूज करना चालू करा, मेरे को एक लॉस हुआ, एक प्रॉफिट का, जिसका नाम था रेंट का। नंबर टू एक एग्जांपल देता हूं इसका, जैसे ही मैंने अपने बिल्डिंग में खुद को यूज किया, सिंपल बात, जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो खुद तो इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी बिजनेस में, तो मान लीजिए मैं कहीं नौकरी कर रहा था तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, तो वहां से सैलरी का लॉस हुआ, वो भी कौन सी कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट है। समझ में आ गई बात, तो जो मैं अपने आप को या अपनी किसी एसेट को बिजनेस में यूज करता हूं और उसको यूज करने से जो प्रॉफिट मेरा लॉस होता है, उसी लॉस को बोलते हैं हम लोग नोशनल कॉस्ट सर। क्या बोलते हैं, नोशनल कॉस्ट। आपको एक बात बताऊं, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक्चुअल कॉस्ट भी कंसिडर करनी है एज वेल एज नोशनल कॉस्ट भी कंसिडर करनी है। अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स में सीखा नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सुना होगा,
ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कहीं ना कहीं, ये उसी की तरह है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो या नोशनल कॉस्ट बोल लो, एक ही बात हो गई। ठीक है, चलेगा। ओके, तो सर इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी में हमको नोशनल कॉस्ट भी लेनी है। यस सर, क्यों, व्हाई, आंसर दीजिए। अभी तक तो हम बचपन से पढ़ते आए थे, कौन सी अकाउंटिंग पढ़ते आए थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते आए थे, मुनीमो का काम पूरा किया अपन लोगों ने, वहां पर तो मैं कौन सी कॉस्ट लेता था, ओनली एक्चुअल खर्च लेता था, एक्चुअल कॉस्ट लेता था, यस और नो। लेकिन जब आप आ रहे हो कॉस्ट अकाउंटिंग पे, इस सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़े, तो आपने सीधा बोल दिया आपको एक्चुअल कॉस्ट भी लेनी है और नोशनल कॉस्ट भी लेनी है। तो सर ऐसा क्यों बोला, नोशनल कॉस्ट को लेना है, ऐसा क्यों, व्हाई, व्हाई क्यों नोशनल कॉस्ट को कंसिडर करें यहां पे, और यहां पे क्यों नहीं किया था। देखो बेटा सुनना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है एक तो परफॉर्मेंस को बताना, क्या कमाया क्या गवाया। परफॉर्मेंस का मतलब होता है कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस कमाया, या इसका पर्पस होता है पोजीशन का पता लगाना, कितनी आपके पास एसेट्स हैं कितनी आपके पास लायबिलिटी है। और परफॉर्मेंस का पता लगाना उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देते, पोजीशन का पता लगाने के लिए क्या बना देते, बैलेंस शीट बना देते। तो मुझे बताना अगर परफॉर्मेंस का पता लगाना है तो कैसे पता चलेगी, कि आप चेक कर लो एक्चुअल में सेल कितनी हुई, एक्चुअल में खर्चे कितने हुए, माइनस कर दो प्रॉफिट निकाल लो, खत्म हो गई बात। एक्चुअल में क्या सेल हुई है, कितना रेवेन्यू आया है, डेट इज, और कितने एक्चुअल में मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, वो लेस कर दिया तो प्रॉफिट निकल आया। तो वहां पे एक्चुअल चीजें चाहिए थी, क्या चाहिए थी आपको, एक्चुअल चीजें चाहिए थी। अगर परफॉर्मेंस निकालनी है तो मुझे एक्चुअल रेवेन्यू चाहिए होगा, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए होगी, एक्चुअल रेवेन्यू में से एक्चुअल लॉस घटा दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। सर इसका पर्पस इतना सा था। लेकिन सर जब मैं बात करता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग की, कॉस्ट अकाउंटेंसी की, इसका एक पर्पस डिसीजन मेकिंग भी होता है। क्या होता है सर, डिसीजन मेकिंग। और जब हमें डिसीजन लेना होता है कि इस काम को करें या ना करें, जब भी हमें डिसीजन लेना होता है इस काम को करें या ना करें, तो सर नोशनल कॉस्ट की मैटर करेगी। सर नोशनल कॉस्ट भी हमारे लिए क्या है सर, रेलेवेंट हो जाएगी। ये भी क्या हमारे लिए रेलेवेंट है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सर नोशनल कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन केस, इन केस व्हाट, डिसीजन मेकिंग। सर इसका मतलब जब डिसीजन मेकिंग शामिल होती है कि कोई काम करे या ना करे, उस समय नोशनल कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट होती है। सर कैसे, एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं? सर मैं बिल्कुल एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं, एक केस स्टडी समझना, एक केस स्टडी समझना, ठीक है सुनिएगा। मान लिए मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर ए है, ठीक है जी। मिस्टर ए मान लीजिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, और मिस्टर एक्स भी न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नए नए सीए बने ये भी, मान लीजिए। अब इन्होंने न्यू सीए बने, इनको लगा था कि यार सीए बनूंगा, सीए तो बस मैं अपनी अपनी बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए बनाऊं, ठीक है, अपनी नॉलेज को अच्छा करने के लिए बनाऊं सीए, तो मैं सीए वाला काम नहीं करूंगा, मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे क्या करना है जीवन में, कोई बिजनेस करना है। तो इन्होंने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट कर दिया टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चले गए सर ये, और टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्लियर, ओके। अब इन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ध्यान सुनिएगा, और इन्होंने फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट इन्होंने जो जनरेट किया, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करा, तो इन्होंने प्रॉफिट कमाया फर्स्ट ईयर में 6 लाख रुपए। इनका प्रॉफिट कितना आया, 6 लाख रुपए का आया, तो ये काफी खुश थे सर। मिस्टर एक्स जो न्यू सीए थे, ही वाज वेरी हैप्पी कि मैंने फर्स्ट ईयर में कितना कमा लिया, 6 लाख रुपीज कमा लिया, 6 लाख रुपए कमाए मैंने पहले साल में टेक्सटाइल की कंपनी से, टेक्सटाइल के बिजनेस से। ओके, ये खुशी के मारे कहां पे आए, खुशी मनाते हुए, मान लीजिए इनके पास आए, जो इनके एक सीनियर सीए थे उनके पास आए, मिस्टर ए के पास आए, और खुशी बताते हुए कहते हैं सर मैंने ना 6 लाख रुपए कमाए फर्स्ट ईयर में। ओके, और मिठाई वगैरह ले गए, मिठाई खिलाने लगे मिस्टर ए को। तो सिंपल सी बात है, कोई बंदा कोई अचीवमेंट करेगा तो अपने सीनियर्स के पास जाता ही नहीं जाता,
तो बिल्कुल जाता है, उनको स्वीट्स खिलाता है, उनसे आशीर्वाद लेता है कि सर 6 लाख कमाए आपके आशीर्वाद से। लेकिन मिस्टर ए थोड़े से कॉस्टिंग के एक्सपर्ट थे, इन्होंने बोला, क्या बोला, तुम भाई एक बार अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मुझे दिखाएं, आप मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाएं अपना। तो उसने दिखाया भाई, और मिस्टर ए ने एनालाइज किया जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, देखा इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट का खर्चा तो गया ही नहीं है, रेंट का कोई तो खर्चा ही नहीं है। तो इन्होंने से पूछा मिस्टर एक्स से, अरे मेरे भाई तुमने अपने पीएनएल अकाउंट में कोई रेंट का खर्चा नहीं डाला हुआ यार, तो क्या रेंट वेंट नहीं देते तुम? तो सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो, जहां पे मैंने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोली है वो बिल्डिंग मेरी खुद की है, मैंने किराए पे थोड़ा लिया है जो रेंट का खर्चा डालो। अकाउंट्स में खर्चा कब जाएगा, जब आपको एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट होता हो, जिससे जो मेरी खुद की बिल्डिंग है तो मैं रेंट का खर्चा क्यों डालूं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नाराज मत हो भाई एक्स, नाराज मत हो, चल इतना तो बता दे कि उस बिल्डिंग का किराया कितना मिलता अगर तूने उसको किराए पे दिया होता, तो उस बिल्डिंग को अगर तूने किराए पे दिया होता तो उस बिल्डिंग का कितने किराया मिलता एक्स, ये तो बता दे। वो कह रहा 1 लाख रुपए महीना। मैंने कहा चलो साइड में लिख लेता हूं भाई 12 लाख रुपए। दूसरा क्वेश्चन पूछा, न्यू सीए हो तुम? हाँ। तो न्यू सीए हो, अगर तुम नौकरी कर लो तो कितनी सैलरी मिल सकती है तुम्हारे को? उसने बोला सर 1 लाख तो मिलेगी मिलेगी, क्योंकि मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैंने कहा 12 लाख। अच्छा मैंने बोला इसमें तुमने इंटरेस्ट का कोई कॉस्ट नहीं डाली हुई, तो एक बात और बताओ, क्या तुमने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करी है? वो कह रहा हाँ मैंने अपने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। तो मैंने कहा अच्छा, अगर इसको बाहर 50 लाख रुपए को इंटरेस्ट पे दे दो तो कितना ब्याज मिल जाएगा? कम से कम 10% का तो मिलेगा ही मिलेगा साल का, 5 लाख रुपए ये भी हो गया। तो मैंने देखा 29 लाख रुपए की ऐसी कॉस्ट थी, दैट इज नोशनल कॉस्ट थी ना, ये नोशनल कॉस्ट जो इसने कहा नहीं दिखाई हुई, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाई हुई, और इसकी गलती भी नहीं है सर, मिस्टर एक्स की इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं है तो इसने दिखाया नहीं है। कौन सा खर्चा नहीं दिखाया? रेंट का, क्योंकि खुद की बिल्डिंग थी, सैलरी, क्योंकि खुद की सैलरी थोड़ा दिखाएगा यहाँ पे खुद की बिजनेस में, और इंटरेस्ट, क्योंकि खुद का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। तो 29 लाख रुपए की ऐसी कॉस्ट थी जो पीएनएल में नहीं गई। तो मैंने उसको बताया मेरे हिसाब से तो तेरा जो तू कह रहा 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मेरे हिसाब से तो तेरा लॉस हो गया, क्योंकि 6 लाख में अगर 29 लाख और लेस कर देगा तो मेरे हिसाब से तो तेरा नेट लॉस है 23 लाख रुपए का। मैंने उसको बोला मिस्टर ए को, जब मिस्टर ए ने बोला मिस्टर एक्स को तेरा 23 लाख रुपए का लॉस है, वो तो हैरान हो गया मिस्टर एक्स, बात तो सही कह रहे हो यार, अगर मैं बिल्डिंग कराए तो 12 लाख मुझे यहाँ से मिल जाएंगे, नौकरी का तो 12 लाख वहां से मिल जाएंगे, इवन इंक्रीमेंट भी हो गई ईयरली, और उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह की कॉस्ट भी मिल जाएगी सर, ठीक बात है। 29 लाख रुपए मैं अलग से कमा सकता था, जो रिसोर्सेज को कहीं और इन्वेस्ट करता। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि अगर तुम्हें फ्यूचर में लगता है कि आप इस बिजनेस को और बढ़ा करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो तो डेफिनेटली कंटिन्यू करो, अदरवाइज शट डाउन द बिजनेस एंड बिल्डिंग को रेंट पे दो, खुद नौकरी करो और पैसे को ब्याज बढ़ा दो। समझ में आ गई बात? तो मैंने बहुत सिंपल सी बात उसको बोली, किसको? मिस्टर एक्स को, कि ठीक है अगर तुम्हें लगता है ग्रो कर सकते हो, तुम 6 लाख को 7 लाख में कन्वर्ट कर सकते हो, 6 करोड़ में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिजनेस करो डेफिनेटली, और अगर लगता है कि नहीं ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी, 6 कभी 10 कभी 8 7 ऐसी कमा पाऊंगा जीवन में, तो भाई सिंपल सी बात है तो आप बिजनेस मत करो, ठीक है। तो ये सजेशन होता है, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए किसका यूज किया आपने, कौन सी कॉस्ट और देखी? इतनी सारी नोशनल कॉस्ट, ये सारी कौन सी कॉस्ट थी? नोशनल कॉस्ट। उसके बेस में मैंने निकाला कि 6 लाख का जो एक्चुअल प्रॉफिट अकाउंट्स में आया था, मैंने 29 लाख करा तो अल्टीमेटली 23 लाख का लॉस हो गया मेरा, क्योंकि 29 लाख का प्रॉफिट मैं कमा सकता था जो प्रॉफिट मैंने नहीं कमाया, बिकॉज मैं अपना बिजनेस कर रहा था, ठीक है। तो अल्टीमेटली 29 लाख का प्रॉफिट मैं जो कमा सकता था नहीं कमाया बिकॉज ऑफ बिजनेस, और बिजनेस में कितना कमाया? ओनली 6 लाख, और कितना कमा सकता था? 29 लाख। तो अल्टीमेटली कितना कम कमाया मैंने? 23 लाख रुपए कम कमाया है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर 23 लाख फ्यूचर में कमा सकते हो एक्स्ट्रा तो अपना बिजनेस करो, अदरवाइज नौकरी कर लो भाई, ठीक है। तो ये सर हमारा क्या था बताना बच्चों, ये था हमारा केस स्टडी में डिस्कस कर रही किस तरीके से हम लोग नोशनल कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा अभी तक मैंने क्या बताया कि कॉस्ट के अंदर सारे वो एक्सपेंस लेने जो प्रोडक्ट को बनाने में लगने या सर्विस को प्रोवाइड करने में, ठीक है। ओके, नंबर 2, एक्चुअल भी लेने हैं, नोशनल भी लेने हैं।
एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी लेने हैं और नोशनल एक्सपेंडिचर भी लेने हैं। तो नोशनल क्यों लेने हैं? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं डिसीजन का भी काम होता है कि ये काम करे या ना करे, इसलिए आपको नोशनल एक्सपेंडिचर को भी देखना है सर। ठीक है, तो कॉस्ट की डेफिनेशन मेरे पार्ट पे खत्म हो चुकी है। अच्छा हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा सर कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन, आपको पहले लिखवाऊंगा फिर समझाऊंगा। ये पूरा सब्जेक्ट है सर, ठीक है, ये पूरा सब्जेक्ट यहां से निकल के आ जाएगा कि पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना क्या होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी में। ये सुनिएगा, ये डेफिनेशन दी है एज पर सीमा लंडन है सर। सीमा लंडन, सीमा कौन है? एक लड़की है सर। नहीं, ये लड़की नहीं है, सीमा इज नॉट ए लड़की। ये कौन है? इसका फुल फॉर्म होती है सर, लिख लीजिए, चार्टर्ड, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, जैसे हमारे यहां आईआईएम वगैरह होता है ना कि जो मैनेजमेंट की डिग्री देता है, सेम सीमा है लंदन में जो मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड करती है। ये मैनेजमेंट की डिग्री प्रोवाइड करने का इंस्टीट्यूट है जिसने हमारे सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी को डिफाइन किया। उसने अपने शब्दों में डिफाइन किया कॉस्ट अकाउंटेंसी को, बड़े प्यारे से शब्द है और दुलारे से शब्द है सर। बखान करा जाए चलेगा, उसके शब्दों को देखते क्या बोला। मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को लिखूंगा जो सीमा ने बोली है। दो पार्ट्स में डेफिनेशन है, डेफिनेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है, मैं डिस्कस करूंगा वो कौन कौन से पार्ट्स होंगे। पहले मैं लिख रहा हूं उसकी डेफिनेशन को, ठीक है ना। बोला उसने इट इज मतलब कॉस्ट अकाउंट, इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट असर्टेनमेंट। पहले पार्ट में इतना बोला, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, पहला पार्ट तो ये है। दूसरे पार्ट में बोला इसने, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड देयर फ्रॉम फॉर मैनेजेरियल डिसीजन मेकिंग। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन derived therefrom for managerial decision making। तो दो पार्ट में डेफिनेशन है सर, जो किसने दिया? सीमा जी ने दी है, लंदन वाली ने, ठीक है। किसकी दी है? कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन दी है। देखिए बच्चों, अब एक एक करके मैं इसको पहले इंटरप्रिटेशन करता हूं कि इसने क्या बोला है, फिर एक एक टर्म जो इस डेफिनेशन में यूज है उसको बताऊंगा, ठीक है। सुनिएगा, सीमा लंदन ने बोला कॉस्ट अकाउंटेंसी का इट इज एप्लीकेशन है, इसमें एप्लीकेशन करना, डेटा यूज करना है। यूज करना है किसको? कॉस्टिंग को यूज करना है नंबर वन, कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करना है, इन दोनों चीजों को यूज करना है। तो इसने तो बोल दिया, क्या बोल दिया सीमा जी ने? कॉस्टिंग को यूज करो, कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करो। अब आप लोगों के मन में क्या होगा? शांति सी फीलिंग आ गई होगी, अरे भैया यूज करना है कॉस्टिंग को और कॉस्ट अकाउंटिंग को, इसका मतलब तो बता दें, तभी तो हम यूज कर पाएंगे। वो मैं बताऊंगा भाई, वो काम मेरा है, और सीमा जी का काम बोलना था, समझाने का काम मेरा है, ठीक है चलेगा। तो सीमा जी ने बोला कि क्या है कॉस्ट अकाउंट? इट इज एप्लीकेशन किसका? कॉस्टिंग का एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। सर किस लिए? फोर 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 काहे एप्लीकेशन है? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा सर, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल बताएगा, प्रॉफिट का पता लगाना। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, प्रॉफिट असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना। तो पहला पार्ट इतना ही था सर, मैं सेकेंड पार्ट अभी नहीं आ रहा, मैं पहले पार्ट पे चल रहा हूं। तो मुझे समझ में आया, कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या करना है? एप्लीकेशन करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है दो चीजों का, कॉस्टिंग का एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। किसके लिए? कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट को पता लगाने के लिए। प्रॉफिट पता लगाना बहुत सिंपल सी बात है, आपको इसकी टर्म का मीनिंग भी पता है। आपको तीन टर्म्स नहीं नजर आ रही होंगी, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। चलिए, तो मैं आपको एक हेडिंग लिखवा रहा हूं सर, आप हेडिंग डालेंगे अपने बुक कॉपी पे,
स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी ये लिखवाऊंगा और इसके थ्रू आपको मैं एक एक टर्म का मीनिंग समझाऊंगा। इस्तेमाल किसका करना है, कॉस्टिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो पहले इन दोनों का मतलब समझें कि कॉस्टिंग क्या होती है सर एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है चलेगा। देखो तो बेटा कॉस्टिंग क्या है सर, कॉस्टिंग का जो मेन काम होता है सर वो क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की लाइक मोबाइल वगैरह जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो या कुछ सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्टिंग का काम होता है असर्टेनमेंट, पता लगाना। क्या पता लगाना, टोटल कॉस्ट कि किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी आई बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में टोटल कॉस्ट कितनी आई है या किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये काम करवाती है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग का जो मेन काम है क्या है, काम होता है असर्टेनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। किसी प्रोडक्ट और सर्विस की टोटल कॉस्ट निकाली जाती है किसके अंदर, कॉस्टिंग के अंदर। कॉस्टिंग के अंदर मेन काम ही होता है किसी प्रोडक्ट की असर्टेन करना, क्या टोटल कॉस्ट को असर्टेन करना। तो कैसे, जैसे मैं आपको एक छोटा सा काम बता रहा हूं, इसी डायग्राम इसी लैंग्वेज को मैं छोटे टेबल के थ्रू बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक मोबाइल की कॉस्ट निकालनी है, एक मोबाइल की टोटल कॉस्ट बनाने में कितनी आई है, तो ये काम कहाँ पे होगा, कॉस्टिंग में होगा। कॉस्टिंग उसका फॉर्मेट देगी कैसे निकालना है, कि मेटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, अदर एक्सपेंस कितने लगे। तो इस तरीके से उस फॉर्मेट में आपको लिखने हैं और उसके बाद क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो ये टोटल कॉस्ट को निकालने वाला काम किसी प्रोडक्ट की वो कहाँ पे होता है, कॉस्टिंग में होता है सर। तो कॉस्टिंग में जो भी पढ़ेंगे हम, कॉस्टिंग का मेन पढ़ने का ऑब्जेक्टिव होता है टोटल कॉस्ट निकालना किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, उसके सारे फॉर्मेट्स कहाँ दिए होते हैं टोटल कॉस्ट निकालने के, जितने फॉर्मेट्स हैं वो फॉर्मेट्स कहाँ पे दिए हैं, कॉस्टिंग में दिए हैं सर। अच्छा जी हाँ, तो सारे फॉर्मेट्स टोटल कॉस्ट निकालने कहाँ दिए हैं, कॉस्टिंग में दिए हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है, ठीक है, इट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्टिंग डाटा। क्योंकि कॉस्टिंग का डाटा इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं सर इसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग में किस फॉर्म में, डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में, मतलब स्टार्टिंग से लेकर खर्चे की एट द एंड तक रिकॉर्डिंग कहां पे होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। जो भी मेटल की कॉस्ट कितनी लगी, लेबर की कॉस्ट कितनी लगी, रेंट की कॉस्ट कितनी लगी, बिजली की कॉस्ट कितनी लगी, सारे कॉस्ट के डाटा का रिकॉर्डिंग कहां पे करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में करेंगे सर। और किस लैंग्वेज में करेंगे, डेबिट और क्रेडिट की लैंग्वेज ही होती है सर। तो समझ में आया कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग के अंदर सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं सर। फॉर्मेट्स दिए किस चीज के, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट आइटम की कॉस्ट निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स कहां दिए हुए हैं, कॉस्टिंग में दिए हुए हैं। अच्छा, और कॉस्ट अकाउंटिंग में जितना भी कॉस्टिंग डाटा है उसकी अकाउंटिंग हो जाती है सर। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को यूज करना है क्या, जो फॉर्मेट्स हैं किसके, कॉस्टिंग के, और नंबर टू जो भी डाटा है किसका, कॉस्टिंग का, इन दोनों को यूज करना है सर। कहाँ यूज करना है बताएं, उसको यूज करना है नंबर वन कॉस्ट कंट्रोल करने में सर। कॉस्ट कंट्रोल करने में सर इसका मतलब बताओ ना, ये कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है, सुनिए कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पहले डायग्राम से समझेंगे फिर लैंग्वेज में लिख लेते हैं, ठीक है ना। कॉस्ट कंट्रोल में क्या होता है, T0 मतलब आज का दिन, T1 मान लीजिए एक महीने के बाद का दिन, एक साल के बाद का दिन, कोई भी पीरियड मानता हूँ, T0 मानता हूँ टूडे और T1 मानता हूँ मान लो एक साल का पीरियड, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल में क्या करते हैं कि जो फ्यूचर के लिए आज एस्टिमेट करते हैं कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए थी, कितना मटेरियल लगना चाहिए था, कितना लेबर लगनी चाहिए थी, इतने अदर एक्सपेंस लगने चाहिए थे, हमने टोटल कर लिया, एस्टिमेट कर लिया सर, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे सर, एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई सर। अब हम एक्चुअल चेक करेंगे एट द एंड, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, अदर एक्सपेंस कितने लगे, ठीक है। तो कॉस्ट कंट्रोल में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी फ्यूचर में लगने वाली कॉस्ट को एस्टिमेट कर लेंगे, नंबर टू एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी इसको देख लेंगे और आपस में कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके क्या निकालेंगे सर, वेरियांस निकालेंगे सर, वेरियांस कितने आए, ज्यादा कमी पेशी कैसे हुई, समझ में आई बात। और इस एस्टिमेट बनाने में और एक्चुअल को चेक करने में हमें डाटा कहां से मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग से, और फॉर्मेट्स कहां से मिलेंगे, कॉस्टिंग से। फॉर्मेट देगी कॉस्टिंग और डाटा देगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो मैंने कहा कॉस्ट कंट्रोल में किसका किसकी हेल्प से हुआ, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से, तो कॉस्ट कंट्रोल हुआ। अच्छा, फोर्थ बात समझ में आ गई बात। तो
तो कॉस्ट को कंट्रोल करने में किसका हाथ है, किसकी हेल्प चाहिए, कॉस्टिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की, क्योंकि आपको एस्टिमेट करना डाटा को, एक्चुअल को चेक करना, कंपैरिजन करनी है। अब सर एक और बात टेंशन वाली आ गई माइंड में, क्या वेरियंस निकाल के क्या करें, झुंझुना बजाए बाबा जी का, हमने कंपेयर कर लिया कि कॉस्ट इतनी आनी चाहिए थी, एक्चुअल में इतनी आई है, अब हमारे को समझ में आ गया एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल रही है, कम कॉस्ट निकल रही है, तो चुपचाप थोड़ा ना बैठेंगे। अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है तो अब हमें फोर्थ काम करना चाहिए कॉस्ट रिडक्शन का, क्या करना चाहिए सर, कॉस्ट रिडक्शन फोर्थ बात है, फोर्थ काम होता है सर कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर कॉस्ट रिडक्शन करना। सर कॉस्ट रिडक्शन में मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेटल कॉस्ट आनी चाहिए 1,00,000 रुपए, आइए 1,50,000 रुपए, एक्चुअल ज्यादा आ रही है, तो अब हमें करना क्या है सर कि हमें इस कॉस्ट को हमने 1,00,000 रुपए एस्टिमेट किया था अपने हिसाब से, आइए 1,50,000 रुपए, तो भाई ज्यादा क्यों आई है वो चेक करें, और चेक करने के बाद इसको रिड्यूस करें ना यार, इस कॉस्ट को अपने लेवल पे लाएं, 1,00,000 के लेवल पे, बोलिए सर उसको बोल दे कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको रिड्यूस करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट को कम करना है। कैसे कम करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट की डाउन नहीं करनी है, देखो भाई कॉस्ट कम करने का तरीका होता है तो क्वालिटी डाउन कर दो, मेटल कॉस्ट 1,00,000 से 1,50,000 हो गई है, सस्ता वाला मेटल खरीद लाओ, वो काम नहीं करना, सस्ता रॉ मटेरियल नहीं लाना, मटेरियल तो जो चल रहा था वही चलेगा, बस हमें करना क्या है कि हमें वेस्टेज वगैरह जो कुछ हो रही है ना वो चेक करने कहां हो रही है, उस वेस्टेज को रोकना है, कहां इनएफिशियंसी हो रही है उस इनएफिशियंसी को रोकना है, हमें ये काम करना है। तो अल्टीमेटली कॉस्ट रिडक्शन में हमें कॉस्ट को कम करना है, लेकिन क्वालिटी को कम नहीं करना, कॉस्ट को कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, ध्यान सुनना, मैं दोबारा से बोल रहा हूं मेरी बात को जरा ध्यान देना, कॉस्ट को कम करना है, क्वालिटी को कम नहीं करना, ठीक है, क्वालिटी कम नहीं करनी सर। तो लिखा हुआ है इन कॉस्ट रिडक्शन, इन कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है ना, वी ट्राई टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट पब्लिक सर्विस विदाउट सेक्रीफाइसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को बिना सेक्रीफाइस किए, क्लियर बात, तो कॉस्ट रिड्यूस करना, तो कॉस्ट रिडक्शन भी हो गया सर। एक पांचवी चीज कॉस्ट अकाउंटेंसी में जो शामिल है वो है सर कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होती है भैया जी, ऑडिट का मतलब हमेशा पता होता है किसी चीज को चेक करना, भाई सारी चीजें कॉस्ट कंट्रोल हो चाहे कॉस्ट रिडक्शन हो, सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में डाटा मेंटेन्ड है कॉस्टिंग का, तो भैया वो डाटा सही है नहीं है, अगर इस डाटा कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा में मिस्टेक हो गई तो आपको पता है पूरा का पूरा पर्पस जो होगा ना कंट्रोल का रिडक्शन का वो सब फेल हो जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा को हमें क्या करना चाहिए, वेरिफिकेशन करा लेनी चाहिए कि वो हमारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो बताते हैं कि किस तरीके से हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे, तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड तैयार हुए नहीं हुए, प्रॉपरली तैयार हुए नहीं हुए, इस चीज को आप ऑडिट करा लीजिए, और ऑडिट करता कौन है, कॉस्ट अकाउंटेंट नॉर्मली करते हैं सर, चलेगा। तो इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डाटा, ठीक है, और इट इज डन बाय अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं सर, तो उनके द्वारा की जाती है सर, ठीक है, तो चलेगा। तो इट इज डन बाय कॉस्ट अकाउंटेंट्स। तो ये सर कॉस्ट अकाउंटेंट समझ में आया कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या करना है, एप्लीकेशन करना है, किसका एप्लीकेशन करना है, कॉस्टिंग के फॉर्मेट का, और कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा लेके किसके लिए करना है, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई, एस्टिमेट बनाना एक्चुअल को कंपैरिजन करने में, और कॉस्ट कंट्रोल के साथ कॉस्ट रिडक्शन लगाना तो कंपलसरी है ही है, ठीक है, चलेगा। और किस लिए करना है सर कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, मुझे प्रॉफिट का पता लगाने में, ये तो बड़ा सिंपल सा टास्क है यार, मुझे बताना, मुझे एक बार पता चल गई कि एक प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट आई है 700 रुपए, मान ली मुझे ये बात पता चल गई कि किसी प्रोडक्ट को बनाने की टोटल कॉस्ट 700 रुपए आ रही है, और मुझे ये पता चल गया कि उसको बेच के देने में रहा हूं 1,000 रुपए में, तो प्रॉफिट पता लगाना क्या डिफिकल्ट टास्क है। टोटल कॉस्ट कहां से मिल गई आपको किसी प्रोडक्ट की, कॉस्टिंग से मिल गई, सेल प्राइस वो तो आपको पता चल जाएगा ना कितने बेचा आपने, तो प्रॉफिट निकालने में कोई
तीन थोड़ा ना मारना, 300 का प्रॉफिट आ गया, क्लियर है सर। तो प्रॉफिट ही पता चल जाता है सर, कॉस्ट अकाउंटेंसी से प्रॉफिट पता लगाना भी इजी हो जाता है सर, ठीक है चलेगा। तो आपको पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया कि कॉस्ट अकाउंटेंसी में यूज करते हैं कॉस्टिंग को, कॉस्ट अकाउंटिंग को, कॉस्ट को कंट्रोल करने में, कॉस्ट कंट्रोल के बाद कॉस्ट रिडक्शन भी करना होता है, ठीक है, कॉस्ट ऑडिट भी शामिल होती है कॉस्ट अकाउंटेंसी में, क्लियर चलेगा। एक बात और जरा सुनना, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, सर इट का मतलब वही कॉस्ट अकाउंटेंसी ऑल्सो इंक्लूड्स क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सर इस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करो जिससे क्या हो सके, मैनेजर्स डिसीजन ले सके, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग भी हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी का एक टुकड़ा है सर, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है सर। तो डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली क्रक्स दे सकता हूं, डिसीजन मेकिंग करना भी कॉस्ट अकाउंटेंसी का पार्ट है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक बात बताऊं मैं आपको छोटी सी, आप जरा सुनना जिस बात को मैं फोकस करवा रहा हूं, कॉस्ट अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके अंदर छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है, कॉस्टिंग वाला एक पार्ट पढ़ेंगे हम लोग जिसके अंदर टोटल कॉस्ट निकालना सीखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम अकाउंटिंग करना सीखेंगे, कॉस्ट कंट्रोल वाला पार्ट पढ़ेंगे जहां पे हम डिफरेंसेस निकालना सीखेंगे हमारे एस्टिमेशन और एक्चुअल से, फिर कॉस्ट रिडक्शन वाला पार्ट सीखेंगे जहां पे हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट ऑडिट वाला पार्ट पढ़ेंगे जहां पे ऑडिट करना सीखेंगे, उसके बाद एक चीज और सीखेंगे कि डिसीजन मेकिंग सीखेंगे सर कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो आप इसको कॉस्टिंग बोलते हो ना तो कॉस्टिंग छोटा सा टुकड़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हो सब्जेक्ट को तो एक छोटा सा टुकड़ा है कॉस्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, क्लियर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सर। तो ये हमारा था सर कॉस्ट अकाउंटेंसी, तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इंक्लूडेड है। तो आपको मैं पूरा सिलेबस भी एक बार एनालाइज कराता हूँ कि क्या क्या होता है नॉर्मली। देखो नॉर्मली जो चैप्टर्स होते हैं सिलेबस में, मटेरियल होता है, लेबर में लिख देता हूं आपको, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के साथ होती है एबीसी कॉस्टिंग, इसी का पार्ट मान लेता हूं, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कर लो, प्रोसेस कॉस्टिंग, इसी के साथ मैं ऐड करता हूं ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ज्वाइंट एंड बाय प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग बोल दो या सर्विस सेक्टर की कॉस्टिंग बोल दो। एक चीज होती है सर हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एक चीज होती है रिकंसिलेशन, एक होता है सर बजटरी कंट्रोल, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये सारे हमारे पास क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स नॉर्मली हमें पढ़ने होते हैं सर, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से यूज होने हैं। ये दो चैप्टर हैं कॉस्ट रिडक्शन के, यहाँ पे हमें मटेरियल लेबर की कॉस्ट को कम करना सीखना है सर, मैटेरियल लेबर की कॉस्ट को कम करना सीखना है, ठीक है, बिना उसकी क्वालिटी को डाउन किए प्रोडक्ट की। सर ये ओवरहेड और एबीसी कॉस्टिंग है कहीं ना कहीं बेस है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, तो बेस का काम करेगा सर, कॉस्टिंग का बेस है कहीं ना कहीं, कॉस्टिंग का बेस है ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बेस है कॉस्टिंग का, जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ना तभी बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा कॉस्टिंग करने में। ये सारे यहां तक जो है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में मेथड ऑफ कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, और ये अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री में यूज होते हैं। इतने सारे मेथड इसलिए बनाए हुए हैं कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग मेथड हमारा नॉर्मली यूज होता है। उसके बाद सर ये क्या है, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड रिकंसिलेशन चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जहां पे हम लोग कॉस्टिंग के डाटा की रिकॉर्डिंग करेंगे सर, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड है सर। और लास्ट है सर बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो दो चैप्टर्स है कॉस्ट कंट्रोल के, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, एक्चुअल फिक्स कर देखते हैं और उनके कंपैरिजन करके क्या निकालते हैं, वेरियंसेस निकालते हैं बजटरी कंट्रोल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है सर, ये डिसीजन मेकिंग है, यहाँ पे हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं कि मैनेजमेंट उससे डिसीजन ले सके। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस होता है सर, मटेरियल लेबर में कॉस्ट रिडक्शन करना सीख लिया, ये ओवरहेड प्लस एबीसी कॉस्टिंग ये बेस है सर कॉस्टिंग का, बेस ऑफ कॉस्टिंग लिख सकते हैं इसको आप, कॉस्टिंग का बेस है सर।
ठीक है, ये हमारे मेथड ऑफ कॉस्टिंग होगा, डिफरेंट यूनिट जॉब एंड बैच कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस जॉइंट प्रोडक्ट बायप्रोडक्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कॉस्ट रिकॉर्ड एंड रिकंसिलिएशन कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, कॉस्ट कंट्रोल का डिसीजन मेकिंग के लिए तो नॉर्मली हमारा सिलेबस होता है सर। ठीक है, तो सर यही इंट्रोडक्टरी क्लास थी आज की मेरे, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चलिएगा।